देख सकते हैं दोनों व्यू। ये आपको राइट साइड में जो आपको भी आपको वीडियो के दिख रहा होगा ये रिवर है और लेफ्ट साइड में समुद्र है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मट्टू बीच उड़ुपी, जो कि उड़ुपी से लाइक 10 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पे आने के लिए फिर से गूगल मैप का ये यूज़ कर सकते हैं। हम लोग गूगल मैप की मदद से आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने आपको दिखाया वहाँ पे कापू बीच, यदि उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मैंगलोर में जितने भी बीचेज है उसका एक प्ले लिस्ट बनाया है, बीचेज इन मैंगलोर और लाइक मोस्ट विजिट प्लेसेज इन मैंगलोर। वो सारा प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और अभी हूँ मैं यहाँ पे मट्टू बीच उड़ुपी में, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का व्यू आपको। और ये देख सकते हैं ये है आपका रोड, रोड के किनारे ये है, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा एक लेन है, इस बीच से अभी हम लोग चलेंगे पूरा ड्राइव करते हुए, काफ़ी अच्छा फील आने वाला है। यदि आप इसमें शाम के टाइम में आते हैं तो देख सकते हैं कि किनारे किनारे आपको लाइक पूरे कोकोनट ट्री लगे हैं साइड साइड में, और इधर जो है बीच है। तो यदि आप मॉर्निंग में आते हैं ड्राइव करने के लिए या फिर शाम में आते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि यहाँ से तो मस्त ठंडी हवाएं चलेंगी जो डायरेक्टली यहाँ पे पड़ेगा। दोपहर का टाइम है, हम लोग निकले हैं मैंगलोर से उड़ुपी तक का सफ़र करने के लिए। और उड़ुपी हम लोग बेसिकली जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग मरवंती बीच वगैरह भी लाइक दूसरे वीडियोस में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रास्ते में जितने भी बीचेस मिल रही हैं, जैसे कापू बीच मिला उसका वीडियोस हमने बनाया है, उसके बाद अभी एक ये मिला है, तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। चलिए चलते हैं बीच के सामने और दिखाते हैं वाटर फ्लो। ये वाटर का फ्लो देख सकते हैं, अभी दोपहर का टाइमिंग है, अभी इतना ज़्यादा है तो शाम में तो इससे ज़्यादा होती होगी। ये मट्टू बीच मिला तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं जो भी चीज़ें हैं। और बाकी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ड्राइविंग वाला है, इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कौन सी सारी चीज़ें हैं। ये कैब जो है, यदि आपने लास्ट वीडियो देखा हुआ था, हमने कापू बीच में खरीदा था 150 में। इस तरह से व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं सराउंडिंग में। अभी जो दोपहर का टाइमिंग तो मे बी लोग यहाँ पे आए नहीं हैं, और हालांकि यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो रास्ते में पड़ी थी हमने लाइक हम लोग उड़ुपी के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में ये हमें दिखाई दिया है, तो मैं कुछ आपको दिखा दूँ। कापू बीच आते हैं या फिर आप ये मट्टू बीच आते हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 20 से 30 मिनट। होल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सब में केकड़ा है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये होल है। तो इसी होल में ये देख सकते हैं छोटा है, ये देखिए अपने बिल में जा रहे हैं, जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें हमने कवर अप कर दी है। यहाँ पे कुछ लाइक स्पोर्ट्स वगैरह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पे लाइक बैठने के लिए जो है आपको आगे तरफ मिलेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे है थोड़े चट्टान है, स्टोन्स वगैरह हैं, तो वहीं पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं शाम में, काफ़ी मज़ा आएगा वहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं जब आप आएंगे तो एक छोटा सा स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ कोकोनट वाटर मिल जाएंगे। गाइस यहाँ से चलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे और हम लोग इन्जॉय करते हैं।
तो चलिए चलते हैं गाइस एक लॉन्ग ड्राइव पे। अभी बज रहे हैं 2 PM, लेकिन हम लोग को फील ही नहीं हो रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि हम लोग को ये फील ही नहीं हो रहा है। दोपहर है अभी गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं जब आप आगे आएंगे उससे तो ये आपको मिलेगा मस्त यहाँ पे एंट्री पॉइंट दो बैठने के लिए, और फिर से ऐसे ही व्यू काफी मस्त। तो या भी आपने यदि सतीश सुलू बीच का देखा होगा वीडियो तो हम उस तरह का, या सोमेश्वर बीच का, तो सोमेश्वर बीच में भी सिमिलर थोड़ा इसी तरह से था। और आप जब सीधा रास्ता से आएंगे वहाँ से मट्टू बीच से तो डायरेक्टली आपको ये मालपे वाला रोड मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत, ये यहाँ पे देख सकते हैं वाओ, ये नदी और ये भी इधर, और इधर ये बहुत सारी नाव है। उधर देखो सीधा, ये गाइस देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि बंदरगाह है, यहाँ पे इतने सारे नाव चल रहे हैं और यहाँ पे सारे नाव जो है इकट्ठा होते हैं। देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे नाव लगे हुए हैं। वाओ, देख सकते हैं आप गाइस, ये देख सकते हैं ये सामने जो है एक नदी जा रही है और इधर सामने आप देख सकते हैं ये समुद्र है। देख सकते हैं ये है नदी। तो इसके पहले भी मैंने एक दो बीचेस में आपको दिखाया है नदियों को समुद्र में मिलते हुए। फिर ये यहाँ पे देखिए, ये जो है एक नदी आ रही है और हमने ये पढ़ा होगा कभी अपने बचपन में कि नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं। और यही देख सकते हैं ये व्यू, ये नदी है, ये रास्ता हो गया और ये समुद्र सामने है। तो ये नदी जो है डायरेक्टली जाकर इस समुद्र में मिल रही है, तो दैट इज़ अमेजिंग। वो एंड पॉइंट देखते हैं आगे यदि मिलता है तो मुझे। ये देख सकते हैं मोर, वाओ ब्यूटीफुल। तो गाइस अभी आप इस वीडियो तक बने रहे हैं, अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। आपको एक नज़ारा दिखाया लाइक हम लोग एक उसी रोड को पकड़े जहां से हम लोग मट्टू बीच से, तो डायरेक्टली हम लोग उसी रोड पे आगे बढ़ते चले गए और यहां पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहां पे आपको नदियों को समुद्र मिलते हुए देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं आगे की ओर, और यहां पे हम लोग पहुँच चुके हैं पड़ुकेरे बीच। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में बनी रहिए। दोपहर के बज रहे हैं अभी 3 और फिर भी हम आपको शूट करने के लिए आए हैं, बेसिकली आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है, कौन सा पॉइंट है। और गाइस फाइनली अभी हम लोग चल रहे हैं, चलिए देखते हैं कौन सा एंड पॉइंट है। ये देख सकते हैं ये समुद्र है और उस साइड से नदी आ रही है जो हम आपको वहाँ पे दिखाए थे। तो फाइनली हम लोग चलते चलते पड़ुकेरे बीच पहुँच गए हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इधर दिखाओ कि देखो ये इधर से आ रहा है समुद्र। अभी हम लोग उधर पहुँच जाएंगे तब बताएंगे। तो गाइज यही इस वीडियो में आपको दोनों देखने को मिल गया, एक मट्टू बीच और पड़ुकेरे बीच, जो कि लाइक पड़ुकेरे बीच हम लोग माल पे आ चुके हैं और जहाँ से हमने शुरू किया था वो आपको दिखाया था मट्टू बीच। ठीक है,
तो ये यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट आ चुके हैं। इसके पहले भी हमने ट्राई किया था आपको लाइक रिवर और सी ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है, उसके लिए भी हमने एक सतीश क्लू बीच का बनाया है वीडियो, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट पॉइंट तक चलने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जो चट्टान दिखाई दे रही है आगे की तरफ। यहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड पॉइंट में, चलिए चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं तरह का कुछ है। अब हमेशा की तरह मैम पता नहीं कैसे चढ़ जाती हैं, वो चढ़ने में तो बहुत डर लगता है। बाबू उधर उधर चढ़ो। देखो ये समुद्र का पूरा पानी, वो रिवर आ रही थी ना उधर साइड, वो रिवर और यहाँ पे ये मिल रहा है, देखा। आप देख सकते हैं गाइस, तो वो जो रिवर हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए वो साइड से एक रिवर आ रही है, ठीक है, और ये फाइनली यहाँ पे इस समुद्र में आके मिल जा रही है। यहाँ पे पानी का फ्लो देख सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं वहाँ पे जो ये स्टीमर चल रही है, नाव जो चल रही है, ठीक है, वो नदी है और वो नदी फाइनली उसी लाइन से होते हुए ये में आके मिल जाती है, मस्त। चलिए चलते हैं वहां पे और आपको दिखाते हैं। छोटी सी वीडियो में ही आपको अभी दिखाने वाला हूँ रिवर्स ये ज्वाइनिंग पॉइंट, ये जो सामने जहाँ से आप ये देख रहे हैं सीप को जाते हुए, ये है नदी और सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं समुद्र। ये जो नदी है जो चल रही है, हमने बचपन में पढ़ा होगा कि नदियां जो हैं समुद्र में आकर मिलती हैं, ये चीज़ को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं और आगे देख सकते हैं नदी में ये चल रही है अभी। तो गाइस हमने जैसा दिखाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों व्यू, ये आपको राइट साइड में जो आपको भी आपको वीडियो के दिख रहा होगा ये रिवर है और लेफ्ट साइड में समुद्र है, जो आगे जाके नदी समुद्र में मिल रही है। तो गाइस तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको मट्टू बीच और पड़ुकेरे बीच दोनों का दिखाया और लास्ट में हम लोग अपने देखा कि हम लोग लास्ट एंड पॉइंट तक ड्राइव करते रहे जब तक कि ये एडवेंचर ख़त्म नहीं हो गया। हम लोगों ने देखा लास्ट में आपको दिखाया यहाँ के रिवर और सी ज्वाइनिंग पॉइंट, जो काफ़ी लाइक अच्छा है, जो हमने कभी किताबों में पढ़ा वो चीज़ें हमने देखा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये सारी चीज़ें। और प्लीज़ कमेंट करें हमारे इस कैब के बारे में, क्योंकि वो किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट किया है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और घर बैठे एंजॉय कर सके।